सब भाई सब एकदम से हम अभी रूम में गए, अभी धूप छोड़ के गए थे, और देखो मौसम कितना प्यारा हो गया, वो देखो ये रिकॉर्ड, वो वाओ चल, ये बादल चल रहे हैं भाई, लिटरली बादल चल रहे हैं, ये धूल वूल नहीं है, बादल चल रहे हैं। रखी थी और अभी अभी दो मिनट पहले धूप हो रही थी, और अब देखो भाई बादल यहाँ चल रहे, चल के आ गए बादल हमारे यहाँ पे, कदमों में बादल आ गए भाई। देखो भाई मंदिर की लाइन देखो कितनी लंबी लगी पड़ी है, ये देखो ये लाइन है मंदिर के अंदर दर्शन की। गुड मॉर्निंग एंड व्हाट इज अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग, मेरे सारे भाई बढ़िया होंगे और अपने अपने घर में मौज ले रहे होंगे। ये देखो हमारी बीच तीन दिन से चलते चलते आज गंदी हो गई है, फाइनली आज कपड़ा उतार लिए थे, ये आज रात को हमने गंगोत्री माता के दर्शन कर लिए थे अच्छे से, अब हम जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ, बाकी बात करेंगे रास्ते में, पहले से पेंट क्लीन कर लेते हैं और थोड़ा सा लूप कर लेते हैं, तो यूज़ करना काफ़ी इजी है इसको आज से पहले, हालांकि मैंने कभी करा नहीं है पर पता है मेरे को इजी ही होगा। इसको हमने यहाँ लगाया, हमने इसको अलग चेक किया, हाँ बढ़िया चल रहा है, तो नॉर्मल कुछ नहीं करना, अपनी बाइक को फर्स्ट गियर में डालना है और धीरे धीरे उसको खोलना है, छोड़ना है क्लच को। अब आप देख रहे हैं कैसी चैन आवाज़ कर रही है मेरी, खर 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 खर। अब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे बिल्कुल एकदम प्यार से, काफ़ी हद तक आवाज़ आनी बंद हो चुकी है जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा। तो ये हमारे आशीष भाई है कश्मीर से, आशीष भट्ट हेलो कर दो भाई एक बार कैमरे में, शक्ल हम बाद में दिखा देंगे, भाई पैक हो गए हैं थोड़े से। अच्छा कई कई लोग होते हैं जो बिना शेक करे इसको यूज़ करने लग जाते हैं, कट कर देंगे थोड़ा सा, ये भी कट कर देना। थोड़ा भाई प्यार से कार्रवाई करनी है ठीक है, ज़्यादा अड़बड़ाहट में नहीं करनी। तो अब हमने इसको थोड़ी देर चैन लूप चैन क्लीन करने के बाद हमने थोड़ा सा चलाने के ऐसी छोड़ दी, अब हमने क्लीन करना तो हल्का सा लूप डालना, बहुत हल्का सा माइनर था, बस एक चक्कर घूम जाए बस और डन कार्रवाई। अब हमारी चेन एकदम ऐसी मक्खन की तरह चलेगी और साथ में देखें गंदगी कितनी निकली है इसमें से, तो ये भी गंदा हो चुका है बेचारा हमारा। तो भाई हम ऑल सेट हैं चलने के लिए, बस ये हमारा हमने सेल्फ रेडी टू गो, चलने में तो वैसे हमने काफ़ी डिले कर दिया क्योंकि आपने देखा ही हमने चेन लूप भी करनी थी और थोड़ी सी चेन की सर्विस भी करनी पड़ती है यार, क्योंकि गंदी हो जाती है सबसे ज़्यादा, चेन ही गंदी होती है ट्रिप पे, तो इसलिए कर लेनी चाहिए। 500 किलोमीटर चल चुकी थी, 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल चुकी थी हमने, 431st डे चलाई थी, फिर सेकंड डे 250 समथिंग सेकंड डे चला दी थी, तो वही है मतलब हमने चला दी थी 700 किलोमीटर समथिंग, तो चेन की भी सर्विस ज़रूरी थी। बड़ा ही सुंदर है ये वाला, पर इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ पहली बार और सीन ये है मेरी बाइक में नहीं है पेट्रोल, मैंने पेट्रोल डलवाया था वहाँ पे, कहाँ डलवाया था याद, बरकोट में डलवाया था लास्ट पेट्रोल, फिर उसके बाद से पेट्रोल नहीं डलवाया मैंने, गंगोत्री भी हो जाए और अब केदारनाथ की तरफ भी 100 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं, देखते हैं पेट्रोल पंप मिलता है या नहीं मिलता। भी रास्ता है, कभी भी इस रास्ते से मत आना, भाई श्रीनगर चले जाना, 70-80 किलोमीटर फालतू पड़ेगा, पर इस रास्ते से मत आना भाई, श्रीनगर होते हुए चला जाता बंदा तो कम पड़ता भाई उसे, पर क्या कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा पड़ता थोड़ा सा पर इतना ख़तरनाक रोड नहीं आता जितना ख़तरनाक रोड आ गया है, पर चलो भोले बाबा की मर्ज़ी थी कि हम थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हुए आए तो ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हैं, थोड़ी क्या तो पूरी ऑफ रोडिंग है, रोड तो है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो तो हमारी बाइक थोड़ी सी ज़्यादा शानदार है तो मना नहीं कर रही करने से, वरना यहाँ तो अच्छी अच्छी बाइकें नाट जाए भाई के, और नहीं भाई भाइयों अब थोड़ा रास्ता अच्छा आने मिल लग गया है और रास्ते में थोड़े झरने भी आ गए हैं, 3-4 झरने आ चुके हैं, रास्ता थोड़ा थोड़ा ही अच्छा आया, अभी पूरा अच्छा भी नहीं आया, ऐसा ही रास्ता है अभी, मतलब यार क्या ही बताऊँ यार, क्या बताएं, बहुत बेकार रास्ता है यार, कोई आना मत यार इस रास्ते से, श्रीनगर होते हुए जाना ये, इस रास्ते में मत चढ़ना बस। तो भाइयों सुबह से भूखे प्यासे निकले हुए हैं, 5 तारीख है आज कल, ओपनिंग है गंगोत्री के दर्शन, मतलब हमने 3 को यमुनोत्री कर लिए थे दर्शन माँ यमुना के, 4 को हमने कर लिए थे माँ गंगा के दर्शन, आज टारगेट था आज बाबा केदारनाथ के, मतलब 3 दिन में 3 धाम कंप्लीट कर लेंगे, पर
जिस हिसाब से अब तक रोड था तो पहुंचने का तो चांसेस लगा नहीं। अभी भी 172 किलोमीटर बचा हुआ है और 2:30 बज गए हैं और शायद 4 बजे के बाद यात्रा करने भी नहीं देते। क्या कर सकते हैं, देखते हैं भाई कितनी देर में पहुंचेंगे भी। तो गाइस ये देखो शक्ल की कैसी हो गई हालत, और बाल हो गए हैं कैसे, बिल्कुल हालत ख़राब, बिल्कुल हालत ख़राब। हमारे पड़ोसी कह रहे हैं कि भाई हमें मत लेना, हम कह रहे हैं ठीक है नहीं लेंगे। तो बिल्कुल ही एकदम हालत ख़राब हो गई। और ये देखो अभी दिखाता हूँ हम कैसे रुके हुए हैं, ये पूरा जंगल है, पूरा जंगल, कोई दूर दूर तक कोई नहीं, कुछ नहीं। और ये हमारा सामान वामान है, हम पे पानी भी नहीं है, पर एक प्लस पॉइंट है हमारे पास, सामने पानी है। हाँ तो सामने पानी है, समझ रहे इसका मतलब, समझे दया, इसका मतलब हम सामने जाके पानी भर सकते हैं। चलो भरते हैं और फिर पीते हैं और फिर दोबारा चलते हैं, क्योंकि 3 बज गए हैं और अभी भी 150 किलोमीटर है। चलो चलें। तो हसदे चेहरियां दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्हां नूं कोई तकलीफ नहीं हुंदी, ओहदा मतलब ये हुंदा कि इन्हां नूं तकलीफां नाल डील करना हुंदा। बिल्कुल सही। फाइनली हमें है सोनप्रयाग में, सोनप्रयाग में कहाँ पे हम, ये देखो यहाँ कहीं हम सोनप्रयाग में, ये देखो कितनी बढ़िया जगह है। और ये हमारे रूम की हालत है, देख लो, ये हमारे राइडिंग जैकेट्स वगैरह सब कुछ ऐसे ऐसे, ये हमारे दो दो टेंट वेंट सब हमने ऐसे फैला फुलू के रखा हुआ है भाई। सब इतनी बार केदारनाथ आ लिए पर इतनी भीड़ कभी नहीं देखी ट्रैक पे, वरना हमेशा ट्रैक खाली रहता है। और पीछे टेंट वेंट सब कुछ लोड करके रेन कोट पहन लिया कि बारिश हो रही है हल्की हल्की, मज़ा आ रहा काफ़ी। तो भाई ये यहाँ से दो रास्ते कट जाते हैं, एक घोड़े वाला रास्ता कट जाता है और एक इंसानों वाला रास्ता कट जाता है। मतलब एक्चुअली ये वाला रास्ता है 1.5 किलोमीटर लंबा और इजी है बहुत। ये देखो भाई धीरे धीरे होली होली आते हुए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत हैप्पी हैप्पी ना। हाँ और बहुत तेज़ चल रही हो, क्या खा के आए आज ब्रेकफास्ट में, क्या खाया आपने? दो मैगी खाई और इतनी तेज़ चल रही, इतनी एनर्जी आ गई। हाँ। क्या बात है यार, ये जो बादल हैं धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, हमारी पहुंचते ही बारिश का मतलब हमारे स्वागत में बारिश का प्रबंध करते हुए। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच ही चुका हूं बिल्कुल एकदम मंदिर के बाहर, और ये रहा बिल्कुल भव्य मंदिर मेरे सामने। और लाइटनिंग कम हो रखी है इस बार पहले तो, वरना आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में कलरफुल लाइटें जलती हैं। ये तो यहीं आके बैठ गई कि चीन का इंश्योरेंस यहीं तक रह रही हैं, ये घर पे अपने वीडियो कॉल कर रही हैं कहीं पर। ठंडे पानी से तुम्हारा भाई नहा के एकदम चिल्ड हो गया है, और ये देखो बाल भी अभी तक गीले हैं। और सामने देखो भाई भीड़ कितनी ज़्यादा लग चुकी है मंदिर में, और बिल्कुल बालकनी व्यू। और होपफुली अभी जो मैंने ब्लॉग डाला, मतलब ये वाला ब्लॉग मैंने डाल, एक एक ब्लॉग अभी मैंने डाल दिया जो यात्रा का था, ये वाला ब्लॉग भी हम डाल देंगे एज सून एज पॉसिबल जैसे ही मौका लगेगा। तो उम्मीद है वो भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो फिर आप इसके वाले ब्लॉग पर भी कमेंट करके बता देना, हाँ भाई वो वाला ब्लॉग अच्छा लगा था और मज़ेदार था, कैड़ा ब्लॉग था। और बाकी में हमने काफ़ी डिले कर दिया था आने में, इसलिए हम सो भी गए थे जल्दी, इसलिए कुछ ज़्यादा एंटरटेनमेंट आपको कर नहीं पाए। पर आज आपको भरपूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, क्योंकि हमारे प्लान्स बहुत ज़्यादा है भैरवनाथ जाने के। यहाँ की मेरे सारे दोस्त मतलब मेरे जितने भी यहाँ पे थे वो सब रेडी हो चुके हैं, मैं ही एक ब्लॉग एडिट करने में रह गया था, और अभी अभी ब्लॉग एडिट करके मैंने अपलोड में लगा दिया है, अब देखते हैं कितनी देर में अपलोड होता है। और जैकेट यहाँ से उतरी है मेरी, तो चलो चलते हैं बाहर मंदिर के पास ताला मार के। हो गाइस मंदिर के बाहर आ चुके हैं, और मेरा भाई मंदिर की लाइन देखो कितनी लंबी लगी पड़ी है। ये देखो ये लाइन है मंदिर के अंदर दर्शन की, लाइन कहाँ तक जा रही है भाई, पीछे तक लाइन जा रही है, नीचे तक है। एक ही बार में 10 मिनट का, जय महाकाल भाई, कह रहा है एक ही बार में 10 मिनट का ब्लॉग बन जाएगा, इतनी लंबी लाइन है। और वाकई में यार लाइन सच में लंबी है। तो भाई जी ये देखो मतलब धूप हो गई है बहुत तेज, पर पीछे मंदिर है और लाइन देख रहे हो, लाइन तो दिख रही है आपको, लाइन कितने किलोमीटर लंबी लाइन है, 3 किलोमीटर भाई, बहुत 3 किलोमीटर लंबी लाइन आगे, हेलीपैड से भी आगे तक की लाइन है। ये देखो कितनी पास पहुंच गए, मतलब थोड़ी सी देर बाद हम भोले बाबा के बिल्कुल एकदम करीब होंगे। ऐसा मजा आ गया दर्शन करके, अभी अभी बाहर निकले हैं, अब तो बाहर आ गए मंदिर के। सब भाई सब एकदम से हम अभी रूम में गए, अभी धूप छोड़ के गए थे, और देखो मौसम कितना प्यारा हो गया, वो देखो ये रिकॉर्ड, वो वाओ, मतलब 2 मिनट पहले मौसम एकदम धूप थी और एकदम से ही क्या हुआ ये समझ नहीं आया, बादल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं टेंट टूंट में नहीं सो रहा भाई आज टेंट कैंसिल, आज कैंसिल टेंट। ओह बादल बिल्कुल देख रहे हो, बादल ये बादल चल रहे हैं भाई, लिटरली बादल चल रहे हैं, ये धूल वूल नहीं है, बादल चल रहे हैं।
बिल्कुल चल के निकल रहे हैं बादल यहाँ से। अद्वक्कड़ क्या हाल है? बढ़िया यार, कैसे हो? बढ़िया यार। ये मुसाफिर हमसे कभी हेमकुंड में टकरा जाते हैं, कभी वैली ऑफ फ्लावर्स में टकरा जाते हैं। इसी चीज से पता, ये प्रूव होता है, ये प्रूव होता है कि दुनिया गोल है, बहुत छोटी है, दुनिया गोल है, बहुत छोटी है। हाँ। और कहीं भी कोई कहीं भी टकरा सकता है भाई। हम लोग देखो ना, अचानक से मिल गए दर्श भाई को यहाँ पे आराम से, लोग ऐसे और इन्होंने पहचान भी लेकर दर्श भाई। अरे वाह। तो और भाई कैसा रहा यार मौसम का? यार पता ही नहीं चला मौसम का यार, ये केदार सुबह गर्मी से हो रखी थी और अभी दो मिनट पहले धूप हो रही थी, और अब देखो भाई बादल यहाँ चल के आ गए, बादल हमारे यहाँ पे कदमों में बादल आ गए भाई।